वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब काफी अच्छे होंगे। सबकी प्रिपरेशन काफी ज्यादा अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एसएससी सीजीएल 2021 के लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, सो दैट अगले 3 से 3.5 महीने के अंदर हम अपना यहाँ पे एग्जाम क्लियर कर लें। गाइस, आप सभी जानते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन ऑलरेडी रिलीज हो चुका है और अप्रैल के अंदर आपका जो एग्जामिनेशन है वो शेड्यूल है। आपकी प्रिपरेशन अब यहाँ पे जो 3 से 3.5 महीने बचे हैं इसके अंदर कैसी होनी चाहिए, सो दैट यहाँ पे आप अपना जो एग्जाम है उसको अच्छे तरीके से क्लियर कर लें, क्रैक कर लें। गाइस, आपकी जो यहाँ पे स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि आपकी जो स्ट्रेटेजी होगी वो आप जो अपनी पर्सनलाइज स्ट्रेटेजी बनाएंगे। बाकी कोई भी आपको स्ट्रेटेजी बताता है, उस स्ट्रेटेजी में से जो आपको पॉइंट अच्छे लगते हैं, आपको लगता है आपके लिए बेनिफिशियल है, आपको वो अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर इंक्लूड करना है। किसी के बनाए हुए रोड मैप के ऊपर बिल्कुल आंख बंद करके नहीं चलना है, आपको सामने वाले का रोड मैप देखना है और अपना जो आप रास्ता बना रहे हैं उसके अंदर उसमें चेंजेस करने हैं। जो उन्होंने अच्छी चीजें आपको बताई हैं उसको अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर इंक्लूड करना है। तो जो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ वो आप अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर अगर इंक्लूड करेंगे, जो आपकी पर्सनलाइज स्ट्रेटेजी है, तो आपको काफी ज्यादा यहाँ पे फायदा होने वाला है। सबसे पहले गाइस यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई पैटर्न क्या है। देखिए, पैटर्न सबको पता है अगर आप लोग प्रिपरेशन करें, लेकिन मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, क्या मेन रीजन है इसके पीछे का, वो ये है कि हमसे एग्जाम क्या चाहते हैं, हमें एग्जाम की रिक्वायरमेंट को समझना पड़ेगा। गाइस, यहाँ पे 1 घंटे के अंदर आपको 100 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे 1 घंटे की जगह मैं आपको 2 घंटे देती हूँ, अब आप ये 100 क्वेश्चन सोल्व कीजिए, आप बड़े आराम से ये 100 क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। क्योंकि अगर आप एग्जाम टाइम पे जाएंगे तो 1 घंटा जो 60 मिनट होते हैं उसका जो प्रेशर होता है वो काफी ज्यादा यहाँ पे अलग होता है। अगर मैं बात करूँ मॉक टेस्ट की, तो काफी टाइम ऐसा होता है कि मॉक टेस्ट के अंदर हमसे ये जो 60 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। 100 में से जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं एक्यूरेसी के साथ हमसे आराम से बन जाते हैं काफी टाइम। लेकिन एग्जाम टाइम पे वही प्रेशर हम यहाँ पे झेल नहीं पाते हैं। तो उसी सारी चीजों को इस स्ट्रेटेजी के अंदर हम बात करने वाले हैं। आपके एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप यहाँ पे मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन विद मैक्सिमम एक्यूरेसी यहाँ पे कर ले। तो उसके लिए आपको पहले से ही यहाँ पे डिसाइड करना होगा कि भाई रीजनिंग सेक्शन के अंदर मुझे यहाँ पे कितना टाइम देना है। सपोज दैट आप रीजनिंग सेक्शन के अंदर अभी 15 मिनट लगा रहे हैं, तो नहीं, आपको इसको कम करना है। 15 मिनट लगा रहे हैं तो आपको इसको अब इस टाइम को कम करना होगा। आपको इसको कम करते करते यहाँ पे 13 मिनट 12 मिनट के अंदर इसको सॉल्व करने का ट्राई करना होगा। बात करें जनरल अवेयरनेस सेक्शन की, अगर आप 10 मिनट लगा रहे हैं तो इसको आपको कट करना होगा, कम करना होगा आपको अपने टाइम को। आपको पूरे जो 60 मिनट है उसको ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे नहीं करना होगा। 60 मिनट है तो मैं यहाँ पे बिल्कुल 60 मिनट पूरे एग्जैक्ट 60 मिनट डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, नहीं, आपको अपने 5 से 10 मिनट अभी से ही यहाँ पे सॉल्व कर बचा के सेव करके चलने होंगे। आपको अपने टाइम कम करना होगा डेली बाय डेली। अगर आप अभी 15 मिनट ले रहे हैं किसी सेक्शन को सॉल्व करने में, तो उसको 12 तक खींचिए, 13 तक खींचिए, 1-1 मिनट यहाँ पे आपको सेव करना होगा अभी से ही, सो दैट आप इन 3 महीने के अंदर अपना काफी अच्छे से स्ट्रेटेजी बना ले। मतलब आप स्ट्रेटेजी एग्जाम में कैसे परफॉर्म करेंगे एग्जाम, वो आप यहाँ पे अच्छे से बना ले। आगे देख लेते हैं गाइज यहाँ पे कि आपकी स्ट्रेटेजी के अंदर कौन से जो मेन पॉइंट्स होने चाहिए वो आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात कि आपको अपना पूरा जो सिलेबस है वो कवर करना पड़ेगा। अब ऐसे नहीं 3 महीने में कि आप सिलेबस ही कवर किए जा रहे हैं, बाकी आपने यहाँ पे कुछ किया नहीं, कोई प्रैक्टिस नहीं की, कोई कुछ नहीं किया, कोई प्रीवियस ईयर पेपर नहीं किया, कोई मॉक टेस्ट नहीं लगाया। अब आपको इसको स्मार्ट अप्रोच के साथ यहाँ पे करना है। जैसे पॉइंट नंबर 5 को आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है वीक एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। तो आपको अपने वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स अलग अलग करने होंगे। उसके बाद जो आपके वीक पॉइंट्स है उन्हीं को यहाँ पे उनको अच्छे तरीके से आपको बुक से पूरा कॉन्सेप्चुअली कवर करना होगा, सो दैट आपके जो वीक पॉइंट्स हैं वो स्ट्रेंथ पॉइंट्स में कन्वर्ट आपके होते जाए। दूसरी बात है आपको डेली टारगेट यहाँ पे सेट रखने होंगे। काफी सारे कैंडिडेट्स पूछते हैं कि भाई हम कितने घंटे पढ़े, 4 घंटे पढ़े, 10 घंटे पढ़े, 12 घंटे पढ़े, तो कोई भी आवर्स यहाँ पे डिसाइडेड नहीं होते हैं। आपको डेली के टारगेट्स रखने हैं। सपोज दैट मैं आपसे बात करती हूँ कि आपने यहाँ पे रीजनिंग की बात करते हैं, रीजनिंग के अंदर आपने कोई चैप्टर उठाया, सपोज दैट आपने डायरेक्शन उठाया, तो आप उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप मान के चलते हैं टारगेट आज का आपने सेट किया कि मुझे इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे वो मुझे कंप्लीट करने आज के दिन के, मुझे 100 क्वेश्चन लगाने, 150 क्वेश्चन लगाने, तो वो टारगेट्स आपके जो मिनिमम टारगेट्स आपने सेट किए हैं उनको आप यहाँ पे कवर करते चलिए और डेली अपने टारगेट्स के अंदर एड ऑन करते चलिए, सो दैट आपकी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी और यहाँ पे आपका सिलेबस भी कवर होता चला जाएगा। बात करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स की, ये तो सबसे मेन पॉइंट है क्योंकि गाइस 2018 से लेकर 20 के अंदर काफी सारे चेंजेस हमें देखने को मिले हैं पैटर्न के अंदर। रीजनिंग का पैटर्न लेवल काफी ज्यादा हाई देखने को मिला है 2019 और 20 के अंदर, तो आपको ये प्रीवियस ईयर पेपर जो कि 2018 से 20 के हैं इनको कंप्लीट यहाँ पे लगाना होगा। साथ में क्विज और मॉक टेस्ट आप देते रहिए। मॉक टेस्ट तो देने बहुत जरूरी है गाइज। आप जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है वो 2 से 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप वीक के अंदर दीजिए। और रही बात क्विज की, तो क्विज आप ऐसे कर सकते हैं कि आप डेली क्विज दे सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, जो स्मॉल स्मॉल क्विजेस होते हैं सब्जेक्ट वाइज, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रीजनिंग का आपने दे दिया एक दिन, एक दिन आपने मैथ का दे दिया
दे दिया, एक दिन आपने इंग्लिश का दे दिया, आप ऐसे इसको यहाँ पे दे सकते हैं। और कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपको डेली ही यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। होप सो गाइस आपको ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हो रहे होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे सेक्शन वाइज, अगर रीजनिंग की बात करें तो कौन से पॉइंट है जो आपको अपनी पर्सनलाइज स्ट्रेटेजी के अंदर इंक्लूड करने चाहिए। सबसे मेन पॉइंट कि आप ज्यादा पुराने रीजनिंग के क्वेश्चन मत कीजिए, क्योंकि रीजनिंग का लेवल काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। जैसे मैंने आपको बताया 2018 से लेकर 2020 तक के क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से कर लीजिए रीजनिंग के, न्यू पैटर्न क्वेश्चन कीजिए, काफी आपको यहाँ पे फायदा मिलेगा। जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं तो जनरल अवेयरनेस का यही है यहाँ पे, क्योंकि आप जानते हैं, मैं आपको एक बात बताने वाली हूँ यहाँ पे कि जैसे कि यहाँ पे एग्जाम स्टार्ट होता है, जो शुरू के एग्जाम का दिन होते हैं वहाँ पे जनरल अवेयरनेस का जो लेवल होता है वो नॉर्मल होता है, ठीक ठाक होता है। लेकिन जैसे जैसे एग्जाम एंड की तरफ बढ़ता है, अगर आपका लास्ट के डेज में एग्जाम पड़ता है, लास्ट की शिफ्ट में पड़ता है, तो यहाँ पे जो जनरल अवेयरनेस का लेवल होता है वो काफी ज्यादा डिफरेंट हो जाता है, कुछ भी यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाता है। ये तो सच्ची बात है कि यहाँ पे जनरल अवेयरनेस बहुत ही बड़ा सेक्शन है, इसको कंप्लीटली कवर करना इम्पॉसिबल है, इसलिए यहाँ पे हम स्मार्ट अप्रोच के साथ चलेंगे। देखिए हमें पता है यहाँ पे कि करंट अफेयर काफी ज्यादा पूछा जाता है, तो उसको पहले आप कवर कीजिए, पिछले 6 महीने का करंट अफेयर कवर कीजिए, क्विजेस दीजिए। यहाँ पे काफी सारे क्विज जो होते हैं यहाँ पे अनअकैडमी ऐप के ऊपर फ्री आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे करंट अफेयर्स के, तो आप इनको दे सकते हैं, बिल्कुल फ्री होते हैं। आप इनमें PMYT कोड लगा करके अपना जो अनलॉक प्लान अनलॉक कर सकते हैं अपने फ्री प्लान को, और यहाँ पे आप इसको दे सकते हैं। रही बात जनरल अवेयरनेस में और सेक्शंस की, तो आप जो बेसिक बेसिक है उसको कवर कीजिए, और बस यहाँ पे डेली आप रिवाइज करते चलिए, नोट्स बनाइए अपने, ताकि आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आप एक बार उनके गो थ्रू हो जाए जितने भी आपने नोट्स बनाए, अब सब कुछ यहाँ पे उस समय पे के लिए रिवाइज कर ले। मैथ्स की बात करें तो यहाँ पे काफी कैलकुलेटिव पेपर अब आने लगा है 1-2 साल से, तो यहाँ पे कैलकुलेशन स्पीड और अपनी सब चीजों के ऊपर आप ध्यान दीजिए अच्छे तरीके से। मैथ्स में मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी कि जो सेक्शन आपका वीक है आप अभी से उसको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अभी आपके पास टाइम है 2 से 3 महीने का, तो पहले आप उनको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, और उसके बाद यहाँ पे आप जैसे प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे हैं वो लगाते रहिए और मॉक टेस्ट यहाँ पे देते रहिए। रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश की जो स्ट्रेटेजी है वो काफी ज्यादा यहाँ पे सिंपल रहने वाली है, क्या क्योंकि अगर आप लोग CBSE बोर्ड से पढ़े हुए या ICSE बोर्ड से पढ़े हैं, इंग्लिश बोर्ड से पढ़े हुए हैं, तो आपकी आपको इंग्लिश में ज्यादा प्रॉब्लम वैसे भी नहीं आने वाली है। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश फिर भी कमजोर है या फिर आप हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको रीडिंग की एक तो हैबिट बना के चलनी है। इससे 2 फायदे होंगे, देखिए आप एक न्यूज़पेपर लगवा लीजिएगा, इंग्लिश न्यूज़पेपर, द हिंदू या टाइम्स कुछ भी, और उसको आप यहाँ पे पढ़िएगा, रीड कीजिएगा। 2 बातें होंगी, एक तो आपका करंट अफेयर प्रिपेयर होता चल जाएगा, दूसरे आपके यहाँ पे जो वोकैब है सेक्शन वो भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर इंग्लिश में मस्ट है, लगाने ही पड़ेंगे आपको, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा जो वोकैबुलरी होती है वो रिपीटेडली यहाँ पे पूछी जाती है, तो इस बात का आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे ध्यान देना है। रही बात ग्रामर के रूल्स की, तो काफी सारी चीजें ऐसी होती है जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इसमें क्या ग्रामेटिकल एरर है। ऐसे नहीं कि रूल्स आप रट रहे हैं लिख रहे हैं, आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है, आपको यहाँ पे डेली क्विज सॉल्व करने हैं इंग्लिश के, सो दैट आपकी यहाँ पे प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो जाएगी। होप सो गाइस आपको यहाँ पे काफी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। स्ट्रेटेजी सबको अपनी पर्सनलाइज बनानी है, जो भी पॉइंट्स यहाँ पे बताए जा रहे हैं उनको आपको यहाँ पे एड ऑन करना है अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर, यही आपकी बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है गाइस, जो मैंने आपको यहाँ पे बताइए। जो भी आपको अच्छे पॉइंट मिले, जो भी आपको बता रहे हैं, उसको आपको अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर इंक्लूड करना है, ये आपको काफी ज्यादा फायदा करेगी आपका एग्जाम क्लियर करवाने के अंदर। साथ ही दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि काफी सारी फ्री टेस्ट आपको यहाँ पे मिलते हैं, और अगर आप लोग प्लस ज्वाइन कर लेते हैं आपको यहाँ पे प्लस के जितने भी यहाँ पे टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, टेस्ट सीरीज होती है, वो तो मिलती है, साथ में फ्री टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पे मिलती है। बस करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे PMYT कोड लगा करके अपना जो फ्री प्लान है उसको अनलॉक कर लेना है। साथ ही गाइस यहाँ पे सुपर प्लेटिनम बैच फॉर SSC CGL एंड CHSL 2021 एंड 2022 यहाँ पे 5 जनवरी से ही स्टार्ट हुआ है, आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं, यहाँ पे आपका पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पे बेसिक से बिल्कुल सीखना चाहते हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं बैच को। साथ ही गाइस जितनी भी क्लासेस होंगी वो इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर यहाँ पे कंडक्ट कराई जाएंगी। और गाइस यहाँ पे आपको अग्नि परीक्षा बाय टीम प्रतियोगिता मंत्रा एवरी संडे यहाँ पे ली जाती है 7 PM, बिल्कुल फ्री होती है, आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग कोड PMYT। PMYT कोड लगाने से आप इसको भी यहाँ पे ले सकते हैं, मॉक टेस्ट होता है गाइस ये यहाँ पे 7 PM एवरी संडे। साथ ही दोस्तों एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं सभी की लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट क्लास, PDF, रेगुलर डाउट सेशन, क्लास रिकॉर्डिंग, सब कुछ आपको अवेलेबल होता है एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के अंदर। आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस के साथ, बेस्ट प्लेटफॉर्म है गाइस। और यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप PMYT कोड लगा सकते हैं, डिस्काउंट की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको, PMYT कोड लगा करके आप अपना प्लान यहाँ पे परचेज कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। साथ ही गाइस PMYT कोड जितनी कैटेगरीज है अनअकैडमी ऐप के ऊपर उन सभी के लिए वैलिड है, तो गाइस PMYT कोड लगा करके आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। चलिए गाइस फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।